और इस बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कई जिलों में हो रही है बर्फबारी। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल में ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में बर्फबारी हो रही है, तो मौसम का मिजाज बदला है। जहां पर कई जिलों में बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, और वैसे ही कई जगहों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई जा रही है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल में ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। कई जिलों में बर्फबारी हो रही है, कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, तो वहीं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल में ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल में ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है, और कई जिलों में बर्फबारी हो रही है और बारिश हो रही है, तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। तो वही मौसम विभाग ने चार जगहों पर, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में ओलावृष्टि की संभावना जता दी है, और उसमें नैनीताल भी है, और इसके साथ ही कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और बर्फबारी भी हो रही है। अच्छा, इस खबर पर अजय पांडे से जुड़ के फोन लाइन पर। अजय, जिस तरीके से देखा जाए मौसम का मिजाज है, किसानों के लिए क्या कुछ संभावना है इसमें, क्योंकि भारी बारिश हो रही है, किसानों की फसलों के लिए भी अच्छी बात है ये। तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है, और कई जिलों में बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, और इसी को देखते हुए किसानों के लिए भी वाकई में काफी फायदा होगा, क्योंकि फसलों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इसको देखते हुए किसानों के चेहरों पर भी खुशी झलक रही है, और वही मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की संभावना जताई है। तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है, वहीं कई जिलों में बर्फबारी हो रही है।